वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत कक्षा दसवीं हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम यशपाल द्वारा लिखे लखनवी अंदाज जो कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कहानी का मूल संदेश क्या है, इस कहानी पर यानी इस कहानी में दो बातों पर बल दिया गया है। पहला है वास्तविकता की उपेक्षा कर बनावटी जीवन शैली जीने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष करना, यानी हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को विशेष मानता है या समाज में बार बार अपने आप को विशेष दिखाने का प्रयास करता रहता है और उस दिखावे को करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के तौर तरीके अपनाता रहता है ताकि समाज का एक वर्ग उन्हें विशेष समाज का व्यक्ति माने और ऐसा करते करते कई बार अपने आप को विशेष दिखाने वाले लोग समाज में उपहास का कारण भी बनते हैं। तो पहला है सामंती जीवन जीने वाले एक विशिष्ट वर्ग पर प्रहार करना जिस जीवन शैली को अपना करके सदैव अपने को उच्च दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरा संदेश कहानीकार देना चाहता है नई कहानी के लेखकों पर व्यंग जो बिना तथ्य के कहानी लेखन करना चाहते हैं, यानी नई कहानी का बिना तथ्य के ही यानी बिना किसी घटना के ही कहानी लेखन करना चाहते हैं, ये भी एक तरह से वास्तविकता से दूर रहने वाली बात है। यानी लेखक कहना चाहता है कि बिना तथ्य के यानी कहानी का आधार ही तो घटना है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, यदि इस प्रकार की कि प्रसंगों का तथ्य नहीं है यानी कहानी में किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है तो कहानी का लेखन कैसे किया जा सकता है। लेकिन नई कहानी का बिना तथ्य के ही कहानी लिखना चाहते हैं ऐसे लेखकों पर भी लेखक व्यंग करना चाहता है, कटाक्ष करना चाहता है। कहानी इस प्रकार है, एक बार नए तथ्य को के लेखक को ढूंढने के उद्देश्य से लेखक को यात्रा करनी थी, इसलिए वो एक नए तथ्य के जो नए जो कहानीकार होते हैं उनके तथ्य की तलाश करने के लिए कि आखिर नए कहानीकार किस प्रकार के तथ्य लेते हैं, ऐसा विचार करके यानी इस प्रकार का एक लेखक नए कहानी का लेखक ढूंढने के उद्देश्य से उन्होंने एक बार द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने का विचार किया। जैसे ही लेखक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा के लिए चढ़ते हैं वहां पर पहले से ही एक सफेद पोशी व्यक्ति साफ सुथरा एकांत में सीट पर बैठा हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़ता है उस सफेद पोशी व्यक्ति जिसे लखनवी अंदाज का नाम दिया गया है, लेखक को जैसे ही डिब्बे में चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे लेखक का डिब्बे में चढ़ना उनको अच्छा नहीं लगा, वो लेखक से आंखें चुराने लगते हैं, कभी डिब्बे से बाहर देखने लगते हैं, यानी लेखक के सामने अपने आप को वो एक विशिष्ट वर्ग दिखाना चाहते हैं, यानी वो बार बार इस प्रकार का आचरण और व्यवहार कर रहे थे कि लेखक ये समझे कि वो जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है लखनवी अंदाज जिस व्यक्ति को कहा गया है यानी उसका जो अंदाज था वो लखनवी था, यानी एक वो विशेष वर्ग यानी जिसको हम एक सामंती जिसको हम एक तरह से सामंती वर्ग का प्रतीक कह सकते हैं वो बार बार अपने आप को उस प्रकार का दिखाने का प्रयास कर रहा था। लेखक ने भी अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हुए और उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के उद्देश्य से उस सामंती वर्ग के प्रति व्यक्ति से भी कोई बातचीत करना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर बाद दोनों शांत नजर आते हैं, लेखक अपने स्थान पर बैठे हैं तो उधर लखनवी
अंदाज के प्रतीक सफेद पोशी व्यक्ति अलग बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ खीरे निकालते हैं, फिर अपनी तौलिया है उसको बिछाते हैं, उस पर खीरे रखते हैं, उनको धोकर के पूंछकर सजाते हैं, उनको काटते हैं, उन पर नमक जीरा मिर्ची भुरकते हैं। फिर लेखक ये सब कुछ देख रहा था और अंत में एक सामान्य शिष्टाचार निभाने के लिए या अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए लेखक से खीरे खाने का नवाब साहब आग्रह करते हैं, लेकिन लेखक अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक इस प्रकार के व्यक्ति जो डिब्बे में चढ़ते समय सामान्य शिष्टाचार का ध्यान ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भी खाना पीना उनको ठीक नहीं लगा। इसलिए यार आखिर लेखक ने बताया है कि खीरे की कटी हुई पनियारी जो फांकी थी उनको देखकर लेखक का मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन अपने आत्मसम्मान में उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने लेखक को उस नवाबी लेखक ने नवाबी अंदाज वाले व्यक्ति को खीरा खाने से मना कर दिया। इसके बाद सबसे जो केंद्रीय विषय जो आता है वो यहां पर इस प्रकार उभर के आता है कि जब नवाब साहब ने उन खीरों को खाना शुरू किया तो वो खीरे की एक फांक को बड़ी कोमलता से उठाते हैं, उसको नाक के पास लाते हैं, उसको सूंघते हैं और सूंघ करके ही उस खीरे की फांक को बाहर भेज देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, और बाहर फेंकते ही नहीं बल्कि एक डकार लेते हैं और ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेखक को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सामंती वर्ग के लोग हैं, जो समाज का जो विशिष्ट वर्ग है, ये इनकी जीवन शैली इस प्रकार की होती है कि ये किसी चीज को खाने के बजाय केवल सूंघने मात्र से ही अपने उदर की पूर्ति कर लेते हैं, यानी अपना पेट भर लेते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेखक ने सोचा। वास्तव में यही है नई कहानी के लिए, यानी जिस प्रकार से खाली पेट है, व्यक्ति को भूख है, वो बिना कोई खाद्य पदार्थ खाए हुए भूख की तृप्ति कदापि नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार से जो जीवन के जीवन को जीने के अवास्तविक तरीके अपनाते हैं, यानी जीवन की वास्तविकता को छोड़ते हैं और स्वयं को समाज से एक अलग और विशिष्ट वर्ग बताने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ऐसे लोग समाज में उपहास का कारण बनते हैं। यही कहानी का तथ्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।